हिमाचल प्रदेश में जमकर हो रही बर्फबारी पर बीजेपी नेता ने अजीब बयान दिया है। भाजपा नेता के हास्यास्पद बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। इसे कांग्रेस नेता और विधायक विक्रम आदित्य सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। दरअसल बीते साल में हिमाचल में विंटर सीजन में जमकर बर्फबारी हुई है, इस बार भी काफी बर्फ गिरी है। ऐसे में भाजपा नेता और हिमाचल वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल में अच्छी बर्फबारी के लिए जयराम सरकार को श्रेय जाता है और जब से सुबह में जयराम सरकार आई है तब से अच्छी बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा सूरत सिंह नेगी कहते हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि 3 साल से सूबे में भाजपा सरकार बनी है और तभी से अच्छी बर्फबारी हो रही है। वीडियो को देखकर लग रहा है कि सूरत नेगी ने इसे खुद बनाया है। वह वीडियो में बर्फ के फायदे भी गिना रहे हैं और कहते हैं कि यह बागवानों और किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। सूरत सिंह नेगी किन्नौर जिले से भाजपा के नेता हैं। इससे पहले भाजपा एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मौजूदा समय में वह वन विभाग निगम के उपाध्यक्ष हैं। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सूरत नेगी की वीडियो को पोस्ट किया है और साथ ही तंज भी कसा है। विक्रमादित्य ने लिखा है कि यह भाजपा नेता और प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष जो प्रदेश में इन दिनों हो रही बर्फबारी का श्रेय जयराम ठाकुर सरकार को दे रहे हैं। भाजपा में भक्त के बारे में तो सुना था, अंधे भक्त पहली बार देखने को मिल रहे हैं। मैं सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश के समस्त प्रदेशवासियों को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हिमाचल प्रदेश के अंदर हर वर्ष अच्छी बर्फ पड़ रही है और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में खेती करने वाले, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, और इसके साथ साथ मैदानी इलाकों के लिए भी जनवरी फरवरी में बर्फ पड़ना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसके कारण पूरे साल वर्ष जो है चश्मे पानी ये नहीं सूखते और इसकी जो है इसका लाभ आम लोगों को मिलता है। लेकिन उससे बढ़कर जो है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जनवरी फरवरी में जो बर्फ पड़ती है ये दवाई का काम करती है, यानी ये मेडिसिन का काम करती है, और इसलिए बहुत ही हम भाग्यशाली है। हम ये कह सकते हैं कि पिछले 3 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में सरकार बनी है, तब से जो है प्रत्येक वर्ष अच्छी बर्फ पड़ रही है और यही कारण है कि पिछले साल लो हाइट्स में जहां सेब उत्पादन में जो है फुल स्टॉप लग गया था, दोबारा से वहां पर सेब उत्पादन हुआ है और आज इस वर्ष जो बर्फ पड़ी है उससे और इसको जो है सस्टेनेबल जो है होगा और आने वाले JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।